गुड मॉर्निंग क्लास हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन टुडे इन ईविज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक माई बॉडी दैट इज चैप्टर सिक्स वट यू अंडरस्टैंड बाई बॉडी बॉडी इन हिंदी इज नोन एज शरीर ओके वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आवर ओन बॉडी हमारे शरीर के बारे में पढ़ना है Let us begin. I know you have studied this chapter. We are just going to revise it in short. Here you can see that you have an exercise. You have an exercise given here, in which you have to fill the blanks. For example, the first arrow is I E Y E I. Okay. Second nose, third chin, and so on.

देन लेग्स लेग्स से आप क्या करते हो चलते हो वॉक करते हो रन दौड़ते हो किक करते हो लात मारते हो क्लाइंब चढ़ते हो ओके देन वी हैव सेंस ऑर्गन्स सेंस ऑर्गन्स क्या है सेंस ऑर्गन्स उन ऑर्गन्स को कहा जाता है जो हमें किसी चीज को सेंस करने में महसूस करने में सेंस को हिंदी में बोलते हैं समझ ठीक है तो आपको अलग अलग चीजें समझने में जिन चीजों की हेल्प लेनी पड़ती है वो होते हैं आपके सेंस ऑर्गेन्स वो ऑर्गेन्स आपको अलग अलग चीजें समझने में हेल्प करे तो आईज़ जो सेंस ऑर्गेन है आपका वो आपको किस चीज में हेल्प करता है देखने में ईयर सुनने में नोज स्मेल करने में सूंघने में टंग, टंग यानी कि जीव टेस्ट करने में और स्किन टच यानी कि छूना और फील करना यानी कि महसूस करने में ये आपके बॉडी के फाइव इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं विच आर नोन एज सेंस ऑर्गन्स इन्हें क्या बोला जाता है सेंस ऑर्गन्स ओके क्यों क्योंकि इसकी मदद से विद हेल्प विद देयर हेल्प वी सेंस और नो अबाउट थिंग्स अराउंड अस क्योंकि इनके मदद से हम अपने आस पास की चीजों के बारे में समझ पाते हैं जान पाते हैं ठीक है लेट्स मूव फॉरवर्ड तो आईज जो आपका सेंस ऑर्गन है वो आपको देखने में हेल्प करता है यू हैव टू आईज इयर्स जो है वो सुनने में हेल्प करता है यू हैव टू ईयर्स ईयर मतलब कान आईज मतलब आख देन वी हैव नोज नोज यानी कि नाक वो आपको स्मेल करने में हेल्प करता है एंड यू हैव ओनली वन नोज देन यू हैव टंग यानी कि जीब जो आपको टेस्ट करने में हेल्प करता है स्वाद लेने में ओके देन यू हैव स्किन स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गेन है बॉडी का सबसे बड़ा ठीक है तो स्किन जो है वो फील करने में और टच करने में फील यानी कि महसूस और टच यानी कि छूना उसमें हेल्प करता है और पूरी बॉडी आपकी कवर्ड है किस चीज से स्किन से नेक्स्ट आप बड़े हो रहे हो आप एक टाइम था जब आप भी इतने छोटे थे फिर आप उससे अभी इतने बड़े हुए हो फिर आप यंग मैन अपने पापा जैसे हो जाओगे फिर अपने दादाजी के जैसे हो जाओगे गर्ल्स जो हैं वो पहले बेबी गर्ल छोटी बच्ची होती हैं फिर वो लड़कियां बनती हैं फिर वो यंग वमेन औरत बनती हैं और फिर वो अपनी ग्रैंड माँ की तरह बन जाती हैं तो ये क्या है ये ग्रो होने का तरीका है ये फर्स्ट स्टेज है ये सेकेंड ये थर्ड ये तो लोग वन वन स्टेप ग्रो करते हैं ये फोर है। पहला बच्चा दूसरा लड़का तीसरा आदमी और चौथा बूढ़ा ओके इस तरीके से इंसान बढ़ता है लेकिन आप बढ़ते हो आपके कपड़े नहीं तो वेन यू वेयर क्लोथ्स जब आप कपड़े पहनते हो तो आपकी जो फेवरेट शर्ट थी जब आप फोर्टीन ईयर्स के थे वो सेम शर्ट आप जब ट्वेंटी के हो जाओगे तो शायद आपको ना आए क्यों? बिकॉज आप बढ़ रहे हो आपकी बॉडी बढ़ रही है पर आपके कपड़े नहीं ओके नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज द फर्स्ट क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज इज टिक द करेक्ट ऑप्शन विच एक्टिविटी डू यू नॉट डू विथ योर हैंड्स अपने हाथों से आप क्या नहीं करते हो वो है रन रन मतलब दौड़ना दौड़ते आप पैर से हो हाथ से नहीं ड्रॉ मतलब चित्र बनाना क्लैप मतलब ताली बजाना तो ये दोनों आप हाथ से करते हो लेकिन दौड़ते आप पैर से हो तो रन नेक्स्ट नंबर टू विच एक्टिविटी डू यू डू विथ योर लेग्स कौन सी एक्टिविटी अपने पैर से करते हो खाना नहीं चलना हाँ राइट नहीं लिखना नहीं करते हो आप पैर से सिर्फ वॉक करते हो चलते हो नेक्स्ट विच ऑफ दीज इज नॉट अ सेंस ऑर्गन इनमें से कौन सा है जो सेंस ऑर्गन नहीं है सिर्फ फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो है आईज ईयर नोज टंग एंड स्किन ये फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं पर यहां पे आपको एक एक्स्ट्रा क्या दिया है हेयर तो हेयर आपका सेंस ऑर्गन नहीं है नॉट अ सेंस ऑर्गन नेक्स्ट वॉट डू वी डू विथ हॉर टंग टीज में हेल्प करता है टेस्ट करने में टेस्ट यानी कि स्वाद लेने में वट डू वी डू विथ आवर स्किन स्किन से क्या करते हैं हम लोग यह स्किन हमें किस चीज में हेल्प करता है टच करने में भी और फील करने में भी तो बोथ ए एंड बी नेक्स्ट टिक करेक्ट फॉर टिक टिक करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस द इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स को टिक करना है एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स को जो कि इनकरेक्ट है गलत है उन्हें क्रॉस करना है ऑल बॉडी पार्ट्स हैव द सेम नेम सारे बॉडी पार्ट्स का नाम सेम होता है नहीं ये गलत है तो क्रॉस किया हुआ है नंबर टू वी डू मेनी थिंग्स विथ आवर हैंड्स हम लोग अपने हाथों से बहुत कुछ करते हैं करेक्ट तो ये करेक्ट है तो टिक किया हुआ है नंबर थ्री वी हैव सिक्स सेंस organs हमारे पास सिक्स सेंस organs है नहीं वी हैव ओनली फाइव सेंस ऑर्गन्स तो ये गलत है नेक्स्ट वी हैव स्किन कवर्स होल बॉडी स्किन जो है वो पूरे बॉडी को कवर करता है दैट्स ट्रू करेक्ट है तो टिक करेंगे An old ओल्ड मैन ग्रोज एंड बिकम्स young मैन ओल्ड मैन जो है वो ग्रो करता है बढ़ता है और वो किस चीज में चेंज हो जाता है फिर यंग मैन में क्या ये सही है नहीं एक यंग मैन अगर ग्रो करता है बढ़ता है डेवलप करता है तो वो ओल्ड मैन बनता है ठीक है पर यहां उल्टा लिखा है तो ये इनकरेक्ट है क्रॉस नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग में आपको क्या करना है दैट यू हैव टू मैच द डायग्राम्स विद देयर विद देयर ऑर्गन्स पहला है आईज तो आई यहां है सी दूसरा ईयर का पिक्चर है तो ईयर यहाँ है तीसरा नोज का पिक्चर है नोज यहाँ है चौथा टंग का पिक्चर है टंग यहाँ है और फिफ्थ है आपका हैंड का पिक्चर है तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है स्किन तो ये स्किन है तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया सी ए सी ए बी डी नेक्स्ट अब इस साइड आते हैं यहाँ पे आपको इन सेंस ऑर्गेंस का जो यूज है वो यहाँ पे आपको मैंशन है और आपको उसके अकॉर्डिंग मैच करना है यहाँ तो ऑर्गेन्स को मैच कर रहे थे पिक्चर से यहाँ पे हमें मैच करना है यूजेस इन ऑर्गेन्स का यूज क्या है लेट्स सी नंबर वन ईयर ईयर किस चीज में यूज आता है सुनने में तो यहाँ हेडफोन है तो ए किस चीज में हेल्प आता है टेस्ट करने में तो केक टेस्ट करने में टंग की हेल्प लेंगे सी आई आई किस में टी देखने में फोर्थ स्किन स्किन किस में यूज आएगा या देखिए स्किन फील करने में यूज आता है तो फील किस चीज को करेंगे बच्चा हमारे पास टू और थ्री फील करेंगे फेदर को तो डी देन वी हैव ई नोज नोज स्मेल करने में तो ये परफ्यूम के साथ मैच करेगा क्योंकि परफ्यूम की स्मेल आप किससे लेते हो नोज से लेते हो नेक्स्ट ब्रेन इसमें क्या करना है आपको कि ऑर्गेन्स का नाम लिखना है अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस लिसनिंग लिसन यानी सुनने में ईयर्स की हेल्प लेते हैं कान की वॉचिंग देखने में आईज़, टेस्टिंग टेस्ट करने में टंग स्मेलिंग स्मेल करने में नोज नाक फाइंडिंग आउट इफ द वॉटर इज कोल्ड और वार्म पानी गर्म है या ठंडा तो कैसे पता करोगे टच करके ना तो टच किससे करते हैं स्किन से अंडरस्टूड थिंक कैन फिल इन ब्लैंक्स सोचो और ब्लैंक्स को फिल करो आईज क्या में हेल्प करती है देखने में तो ईयर किस में सुनने में हीयर नेक्स्ट इफ नोज इज टू स्मेल नोज सूंघने में स्मेल करने में हेल्प करता है तो स्किन फील करने में हेल्प करता है हैंड में क्या है फिंगर्स हैं तो लेग में क्या है टो है जम्प इज टू लेग यानि कि जम्प करने के लिए पैर है तो लिखने के लिए राइट करने के लिए क्या है हैंड है हाथ है आई होप यू हैव अंडरस्टूड फिलिट इन योर बुक लर्न इट गो थ्रू द चैप्टर एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी वेन यू हैव योर डाउट क्लास दैट्स ऑल स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू